नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इनको तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, ये है श्री रतन नवल टाटा, भारत के एक बेहद ही सम्मानित और एक बेहद ही सफल उद्योगपति। टाटा ग्रुप, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, उसके ये फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। बट दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, टाटा ग्रुप को द टाटा ग्रुप बनाने में श्री रतन टाटा जी के अलावा बहुत सारे और लोगों का योगदान भी रहा है। क्या आप उनको जानते हैं? जवाब है नहीं, मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता। यह है मिस्टर स्टीव जॉब्स, एप्पल इनकॉर्पोरेशन के को-फाउंडर, एक महान इनोवेटर जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में, इनोवेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। आज की तारीख में जो आप आईफोन देखते हैं, वो इन्हीं की ही खोज है, इन्हीं की ही इनोवेशन है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एप्पल इनकॉर्पोरेशन को द एप्पल इनकॉर्पोरेशन बनाने में इनके अलावा बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। क्या आप उनको जानते हैं? जवाब है मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता। यह है मिस्टर बिल गेट्स। बिल गेट्स, जो कि एक टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के को-फाउंडर रह चुके हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर की दुनिया में तहलका मचा चुकी है। लेकिन आप क्या जानते हैं उन वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में जो कि इस कंपनी के लिए काम करते हैं? जवाब है मुझे पता नहीं या मैं नहीं जानता या नहीं जानती। अब दोस्तों, हकीकत यह है कि हम जानना ही नहीं चाहते। हम लीडर्स के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बैकड्रॉप में कौन काम कर रहा है, हमारा ध्यान नहीं जाता या हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो पर्दे पर आकर सामने से लोगों को दिख रहा है, उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। वो अलग बात है कि बैकड्रॉप में बहुत सारे लोग ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बट जो पर्दे पर आता है, तालियां उसके लिए बजती हैं, ज़्यादा सम्मान का हकदार वही होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप वाकई में सम्मान के ज़्यादा हकदार हैं, सही हकदार हैं, तो पर्दे के पीछे मत छुपिए, पर्दे के सामने आइए, किसी भी फॉर्म में, एक आवाज़ के फॉर्म में, अपने चेहरे के साथ, लेकिन पर्दे पर आइए, जिससे आपको सम्मान मिल सके, जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आई होप इस वीडियो ने कुछ डाउट्स क्लियर किए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।